नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये सीरीज़ की हमने थर्ड वीडियो अपलोड करी है पर्टिकुलरली, और ये सीरीज़ है चार्ट ऑफ द वीक। इस चार्ट ऑफ द वीक पे हम लोग आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करवाते हैं जो हमें लगता है कि एक से दो हफ्ते के अंदर अंदर बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। सो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स हम आप लोगों को सजेस्ट करते हैं। सो इस चार्ट ऑफ द वीक की सीरीज़ में जो थर्ड एपिसोड है उसमें जो चार्ट हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं HDFC बैंक का। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक का हम लोग आपके सामने चार्ट लेकर आए हैं और इस पर मैं बाइंग करने की सलाह दे रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि प्रॉबेबली हमें 8% तक का रिटर्न दो एक से दो हफ्तों के अंदर मिल सकता है। सो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ट्स पे और देखेंगे कि ये क्यों बाय के लिए सजेस्ट हुआ है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे सामने आ रही है कि सर, हम लोग बहुत जगह से सुन रहे हैं कि मार्केट दोबारा क्रैश कर सकती है, मार्केट ये हो सकता है, मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, 10,500 आ सकती है, वो हो सकता है। तो क्या हम लोगों को स्विंग ट्रेड करना प्रेफरेबल है या नहीं है, या फिर आप जो पोर्टफोलियो बता रहे हैं क्या वो प्रेफरेबल है या नहीं है? मैं आपको बताऊँ, देखिए अभी तक मार्केट पर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग मार्केट को स्टडी कर रहे होंगे, क्या हमने देखा कि पर्टिकुलर बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो नहीं बढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बढ़ के डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं फार्मा के बारे में, तो क्या फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है? जो ये एक नीचे से रैली आई है, जब 7,500 से रैली आई है, क्या फार्मा ने आउट परफॉर्म करा? जी हाँ करा। क्या उसका रोल था इस कोरोना वायरस जो ये पेंडेमिक है उसके में रोल था? हाँ बिल्कुल था, फार्मा का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था, बिल्कुल बढ़िया। क्या जो फूड सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, क्या उसका रोल था? हाँ उनका भी रोल था, क्योंकि घर पे डिलीवरी होती थी और फूड का बहुत ज़्यादा था, बिल्कुल वो स्टॉक्स बढ़े हैं। क्या आपने ऑटो सेक्टर को बढ़ते हुए देखा बहुत अच्छे से? नहीं बढ़ते हुए देखा होगा। ये जो एक रैली आई थी, रैली में अब ऑटो सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, तब बढ़ रहे थे? नहीं बढ़ रहे थे। क्या आप लोगों ने केमिकल को बढ़ते हुए देखा? हाँ बढ़ते हुए देखा, केमिकल का रोल है। तो आप ये देखिए, स्टॉक्स वो ही बढ़ रहे हैं जिनका रोल है मार्केट पे, वो स्टॉक्स अभी तक नहीं बढ़े होंगे जिनका रोल ही नहीं था मार्केट पे, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को उन्हीं सेक्टर्स पे फोकस में रहना है जो सेक्टर्स अब आने वाले टाइम पे और अच्छा रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। मैं आपको कहूंगा तो बैंकिंग सेक्टर का बढ़ा क्या, NBFC सेक्टर बढ़ा? नहीं बढ़ा, तो वो सारे स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं। अब आप सोच रहे हो कि अब बढ़ जाएंगे, प्रोबेबल नहीं है। बट देखिए, अगर आप ये सोच के चलोगे कि हमारी इकोनॉमी वीक है तो स्टॉक मार्केट भी वीक है, नहीं, हमारी इकोनॉमी स्टॉक मार्केट के हिसाब से इतनी नहीं चलती जो ज़्यादातर आप लोग ये सोचते हो कि चलती है, बट ऐसा नहीं है, नहीं चलती है अब इस टाइम, तो नहीं चलती है, वो पहले होता था। अब आप लोगों को क्या करना है, अपना फोकस रखना है स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को होल्ड ही करके रखना है, जब हमारे टारगेट्स अचीव हो आप लोगों को वहां से निकल जाना है। देखिए जब चार्ट पैटर्न बनता है और अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट नहीं देगा तो मार्केट 10% का भी लोअर सर्किट लगा दे, वो स्टॉक हम लोगों को रिटर्न दे जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपनी मार्केट पर ऑब्जर्व करी है। तो फोकस करिए चार्ट पैटर्न्स पे, मार्केट को भूल जाइए कि इकोनॉमी क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। अगर आप लोग डर डर के जियोगे कि अब दोबारा नीचे आएगी मैं बाइंग बनाऊंगा, तो आप लोग कभी भी मार्केट पर एंटर नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, जब तक मार्केट पैसा दे रही है मार्केट लो, जब मार्केट ने यू टर्न लिया हम वहां से निकलना शुरू कर देंगे, जब तक नहीं दे रही है तब तक तो अर्न करो, ठीक है। सो ये स्टॉक के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक पे। अब आप देख सकते हैं कि जब से ये एक शार्प फॉल आया था अराउंड इस लेवल से इस लेवल तक, मतलब हम मान के चल सकते कि 50% का एक ब्रेकडाउन आ गया था, अराउंड 1400 के लेवल से 700 के लेवल तक आ गया था। सो 50% का एक ब्रेकडाउन दे दिया था, उसके बाद से क्या हो रहा है, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन करा हुआ है तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मार्केट ये रैली अप मूव करी, एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल में क्या प्रीवियस लो को ब्रेक करा? नहीं करा। दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, क्या प्रीवियस लो को ब्रेक करा? नहीं करा। एक दोबारा अप मूव आई, दोबारा नीचे आया, प्रीवियस लो जो था उसको ब्रेक करा? नहीं करा। अब आपको ये बात तो पता चल गई कि जब एक ऐसी रैली आ रही है तो प्रीवियस लो को तो ब्रेक कर ही नहीं रहा, एक पॉजिटिव साइन मिला वो भी वीकली चार्ट पे। दूसरा साइन, जो हाइज हैं वो नए हाइज बन रहे हैं, न्यू हाइज डेवलप हो रहे हैं, ये बात भी आप लोगों को कन्फर्म हुई। तो अब आप इस बात को देखिएगा कि इस लेवल से जब ये एक अप मूव दे रहा है तो हो सकता है दोबारा हाई बना दे, क्योंकि अभी भी इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो इसने एक छोटा सा करेक्शन लिया,
और जो इसने एक छोटा सा करेक्शन लिया वो इधर भी ले चुका है, ठीक है। अब यहां से इसकी रैली की एक अप स्टार्ट हुई है, तो ये हो सकता है कि प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दे, ठीक है। अब एक चीज और एनालाइज कर लेते हैं, ये मैंने अभी नहीं करी है, शायद ये चीज भी हमारा साथ दे जाए। देखिए यहां से रैली आई इस पॉइंट तक, ठीक है, और इसने सपोर्ट कहां पर लिया, अराउंड 618 पे लिया, ठीक है, 618 पे अपना सपोर्ट लिया, 618 पे ले ले, 50 पे ले ले तो बहुत बढ़िया होता है। अगर मैं ये वाली रैली की बात करूं तो इस वाली रैली में इसने कहां पर सपोर्ट लिया, अराउंड 50 और 618 के बीच में लिया। सो बिल्कुल सेम जैसा प्रीवियस पे हुआ था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यहां पर रैली जो स्टार्ट हुई है, इस रैली पे कहां पर इसने सपोर्ट लिया वो भी चलो देख लेते हैं। इस रैली पे भी एग्जैक्ट इसने अपना 618 पे सपोर्ट लिया और वहीं से मूव कर रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं जो ये करेक्शन आता है 618% जो रिट्रेसमेंट लेवल है उससे एक अपमूव आ जाता है, इधर भी वही हुआ और सिमिलर पैटर्न इधर भी वही हो रहा है। तो क्या ये बाय करने के लिए एक प्रेफरेबल बाय नहीं बनता स्टॉक? अब आते हैं सीधा डेली चार्ट पे, ठीक है, डेली चार्ट पे भी स्टडी कर लेते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इस पर मैं एक इंडिकेटर का यूज करता हूं वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि वो जनरली जो इंडिकेटर है वो इस पर सपोर्ट करता है इस पर्टिकुलर बैंक पे जब तक मैंने देखा है। देखिए मैंने ये ट्रेंडलाइन एनालिसिस कर ली है, ठीक है, एक मैंने बॉटम्स को टेस्ट करते हुए एक ट्रेंडलाइन बनाई है, एक मैं टॉप्स को ट्रेंडलाइन जोड़ते हुए एक ट्रेंडलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। या अब मैंने ये दो ट्रेंडलाइन को बना दिया है। अब इस दो ट्रेंडलाइन से भी आपको पता चल रहा है कि ये एक पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो आप यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं, इसके लिए मैं अब ओपन कर देता हूँ अपना पेंसिल, या सो आप देख सकते हैं कि अभी ये लोअर रेंज को दो बार मल्टीपल दो बार छू के आया है, ठीक है। एक शार्प फॉल आई, शार्प फॉल आने के बाद एक दो बार इसने डबल बॉटम टाइप सिनेरियो बनाया, उसके बाद एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न हम इसे कह सकते हैं, डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, अब उसके बाद ये ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। इस लेवल से ऊपर निकल रहा है तो हमारा टारगेट अप्रॉक्स ये लेवल होगा, ठीक है, क्योंकि एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। दूसरी बात, जब भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों को ट्रेड कैसे लेना है, देखिए ये एक वी शेप या डबल बॉटम मान के चलिए, ये डब्ल्यू मान के चलिए पैटर्न या डबल बॉटम मान के चलिए, आपके ऊपर है। जब भी मैंने आप लोगों को बोला है ट्रेड करिए, दो तरीके हैं ट्रेड करने के लिए, या फिर ये जो बॉटम का ये लेवल है ये ब्रेक होने दीजिए, इधर बाय करिए, ये हमारा प्रीवियस वाला हाई जो है वो टारगेट होगा, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अगला तरीका क्या होता है बाय करने का, ये डबल बॉटम है, यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो और बॉटम, ये वाला जो बॉटम है इसको जोड़ते हुए एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दो, इधर ब्रेकआउट दिया, इधर बाय करो, ये स्टॉप लॉस होगा इससे 2-3-5 रुपए नीचे, और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। सेम एनालिसिस यहां पर हमें देखने को मिल रही है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया इधर, और उसके बाद ऊपर दोबारा गया और प्रीवियस जो ये वाला पैटर्न था इसको ब्रेक कर चुका है, अभी भी मैंने आपको बताया इसको ब्रेक कर चुका है, इधर बाय बनाना चाहिए, अब यहां पर बाय बनता है। दूसरी बात, एक ट्रेंड लाइन और एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका भी ब्रेकआउट आया नहीं आया, या आप देख सकते हैं कि इसका भी ब्रेकआउट इस लेवल पे आ चुका है। सो बहुत बढ़िया लेवल से अराउंड, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 1070 से एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है इस पर्टिकुलर HDFC बैंक के अंदर, अपने प्रीवियस सपोर्ट लाइन पे रीटेस्ट करके अब दोबारा मूव कर रहा है। सो यहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाय करने के बारे में। अब जिस पर्टिकुलर मैं इंडिकेटर की बात कर रहा हूं वो है MACD, ठीक है। MACD को मैं इसमें जनरली यूज कब करता हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं यूज करता हूं जब बार्स, जो आप बार्स देख रहे हैं जब ये नीचे की तरफ बनना शुरू होते हैं और हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर की जो लाइन है, सिग्नल लाइन है, जब वो ये लाइन को ब्रेक करती है रेड लाइन के नीचे क्रॉस करती है, तब यहां पर एक बहुत बढ़िया शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट होती है। और जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर निकल जाती है और बार्स ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं जीरो लेवल के ऊपर, तो यहां पर एक अच्छी खासी बाइंग इनिशिएट हो जाती है। इस लेवल पे आप देख रहे हैं, ये जो लेवल है ये लेवल पे क्रॉसओवर हुआ था, ब्लू लाइन नीचे गई थी और बार्स नीचे बनना शुरू हुए थे और आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल, ठीक है। एग्जैक्ट इधर साइड भी यही हुआ था, इधर साइड आप देख सकते हैं बार्स नीचे से दोबारा ऊपर बनना शुरू हुए थे और इस लेवल पे क्रॉसओवर था, हम लोगों ने एक बाइंग बनाई तो बहुत बढ़िया लेवल्स मिले। सिमिलर इधर हो रहा है, एक ब्लू लाइन ऊपर क्रॉस कर चुकी है रेड लाइन के, बार्स ऊपर बन चुके हैं, इस लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है।
सो ये था हमारा आज का स्विंग ट्रेड जो कि आप चार्ट ऑफ द वीक था, इस पर आप लोग एक बाइंग इनिशिएट करके रख सकते हैं और प्रोबेबली मुझे लगता है 8-9% का ये रिटर्न दे सकती है एट अ मैटर ऑफ 2 वीक्स, 2 वीक्स के अंदर अंदर एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। इसको अपनी वॉच लिस्ट पे वॉच रख सकते हैं। अभी राउंड ट्रेड कर रहा है 1085 पे अभी ट्रेड कर रहा है, इस पर अगर आप लोगों को कल ये डिप देता है 5-10-15 रुपए की आपको मिलती है अगर ये 1065-1070 के आसपास, सो आप लोग इस पर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। मैं जो स्टॉप लॉस आप लोगों को बताता हूँ वो स्टॉप लॉस अराउंड होगा, जी हाँ, हम लोग एक बार स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखें, ठीक है। सो आप लोगों का जो टारगेट है, सबसे पहले टारगेट इनिशिएट करते हैं, उससे हम अपना स्टॉप लॉस भी बना लेंगे। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ अराउंड 1070 पे बाय बनाइएगा और हमारा जो टारगेट होगा वो प्रीवियस हाई होगा, ठीक है, जो कि 80 पॉइंट्स का टारगेट आ रहा है, ठीक है, 80 पॉइंट्स का हमारा टारगेट आ रहा है और हमारा अराउंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस लेवल पे, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस है 1035-1030 का स्टॉप लॉस होगा और 1160 तक का हमारा टारगेट होगा। ये लेवल हमने ये टारगेट हम लोगों ने बिल्कुल ईजिएस्ट टारगेट रखा है, ईजिएस्ट मतलब जो ईजिएबल अचीवेबल टारगेट होगा जो कि प्रीवियस हाई है, बट इवेंचुअली जब इसके ऊपर कैंडल ब्रेक करेगी तो ये हमारे प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक भी पहुँचने की कोशिश करेगा, ठीक है, जो कि अराउंड 1200 से लेकर 1250 के आसपास का लेवल है। सो और भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज इसमें मिल सकती है, तो आप लोग क्या इसमें पर्टिकुलर सिनेरियो लेकर चल सकते हैं, अगर आप लोग 100 शेयर्स बाय कर रहे हैं, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जब भी आपका अराउंड 11040 के आसपास आए, 11040 के आसपास जब भी आपको ये मिले आप अपनी 60% क्वांटिटी को एग्जिट कर लीजिए। जो 40% क्वांटिटी बचेगी उसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बढ़ाते रहिए और जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब भी इसमें हमें रिवर्सल मिलेगा, कभी भी मिल जाएगा रिवर्सल, तो हम लोग हाई पे ही निकलेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर निकल जाए, बहुत लोगों के साथ होता है यहाँ निकल जाते हैं वो स्टॉक यहाँ पहुँच जाता है और वो लोग दुख बनाते हैं, तो दुख मत बनाओ, यहाँ पर 60% क्वांटिटी निकाल लो, उसके बाद जितना ऊपर जा रहा है जाने दो जाने दो, जब भी कोई रिवर्सल पॉइंट मिले कि अब यहाँ रिवर्स कर सकते हैं वहाँ से निकल जाओ अपनी जो आपकी 40% क्वांटिटी है, ठीक है। इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहिए। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस वीडियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अराउंड 1500 लाइक्स आ सकते हैं जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों रिलेटिव्स के साथ, कि जो हमारे 50,000 के मेंबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है वो कंप्लीट हो पाए। अराउंड 44,000 मेंबर्स हो चुके हैं और मैं आप लोगों के साथ विश करता हूँ कि आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस करने में हमारी मदद करेंगे। सो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।